हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने बनाया मेथी की पूड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत जल्दी बनने वाला रेसिपी है। देखिए कितना बढ़िया खिला खिला ये दिख रहा है। आप चटनी के साथ खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम मेथी लिया है। इसे मैंने बढ़िया जिससे साफ करके वॉश कर लिया है। और इसमें लगभग 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, ले लिया है मैंने। 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे और 10 से 12 लहसुन की कलियां लेंगे, क्योंकि लहसुन बहुत जरूरी है। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा। इसे बढ़िया फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ 200 ग्राम मैंने आटा लिया, स्वाद अनुसार नमक। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे आटे में नमक को। इसमें हम 2 चम्मच लगभग तेल ऐड करेंगे। मेरी चम्मच बड़ी है, मैंने 1 चम्मच लिया, आप 2 चम्मच ले सकती हैं। इसे अच्छे से हम मोइन के लिए मसल लेंगे। यहाँ 1/2 चम्मच मैंने हींग लिया है, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते और ये पीसी हुई मेथी। इन सब सामग्री को हम मिला लेंगे अच्छे से। इसमें आपको पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके एक सॉफ्ट डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, नहीं तो फिर डो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल हार्ड नहीं, नॉर्मल डो बनाना है। नॉर्मल डो बना लिया है। इसे हम ढक कर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि जो मेथी है ना अच्छे से फूल जाए आटे में। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसकी हम एक बॉल्स लेंगे और इसको हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मैंने मिला लिया, आप देख सकते हैं। आप शेप कोई भी ले सकती है, बड़ा छोटा कर सकती है। मैंने यहाँ नॉर्मल शेप लिया। बेलन में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे हम बेल लेंगे पूरी के शेप में। आप इसकी पूरी बना रही है तो जितना हो सके उतना पतला रखिएगा, पतला रखिए तो ही पूरी अच्छे से फूलेगा। अब देखिए मैंने पूरी बना लिया, मैंने तेल गर्म कर लिया है। इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे हम तल लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से मैं तल रही हूँ, ये तल चुकी है। देखिए कितना बढ़िया फूली है पूरी। चलते सर्व करने। देखिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखा रही हूँ, है ना बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है ना। इस रेसिपी को बनाइए, ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। इसे बहुत ही आसान रेसिपी, आप देखिए ना कितना बढ़िया टेस्टी दिख रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।